अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। क्या दिक्कत थी भैया आपको, किस चीज में लाभ हुआ है? हेलो। हाँ जी भैया, सुन पा रहे हैं? आ रही आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, आपको क्या समस्या थी? नहीं जी, मैंने फोन नहीं किया जी आपको। हाँ, मैं दीपक बोल रहा हूँ। मैं दीपक आ रही हूँ। हाँ, वो स्वस्थ ग्रुप से ना। वो मेरे भतीजे के क्या है तो फाइल्स हो रखे हैं बहुत जोर। ठीक है, तो क्या वो उसने उसको क्या उठने बैठने सकता नहीं है। अभी वो कोई दवाई ली थी डॉक्टर की, उसे तो ठीक हुआ था, लेकिन फिर ये 3-4 दिन फिर उसके तकलीफ देने लगा वो। उसी के लिए। अच्छा, तो आपको लाभ किस चीज में? आपका ग्रुप में संदेश आया है। अच्छा, एक उपचार था ना, आपने आज लिखा है कि हाँ, कि आपके द्वारा बताए इलाज से लाभ हुआ, किस चीज में लाभ हुआ? वो उसके लिए था, ये पेट में एसिडिटी बनती थी मेरे छोटे भाई को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 5-6 दिन पहले लिखा था मैसेज, तो आपने ये बताया था उपचार, तो वो करने से उसके आराम है थोड़ा भी। क्या क्या लिया था आपने एसिडिटी में? वो जीरा सौंफ, उसके जो बताया था ना आपने, उसको उबाल करके बनाने के लिए, करके उसके लिए। अच्छा, भुना हुआ जीरा सौंफ, अजवाइन थी हल्का भुना, काला नमक, इन सब का चूर्ण। अच्छा, चौथाई चम्मच मिला करके गुनगुने पानी। सारा चीज मिलाया था आपने? हाँ, सारा चीज मिलाया था मैंने। इससे आपको एसिडिटी में लाभ हुआ आपके भतीजे को? हाँ। कितना आराम है भैया अभी उससे? वो कम समझ गया, उसको 40% आराम है अभी। 40? कितने दिन में? और ये आपका वो भी आया था ना, एक मैसेज, छाछ वाला भी ना। हाँ, वो छाछ वाला भी उसमें मैंने देखा था, छाछ वाला भी, उसमें छाछ भी पी रही है काला नमक डाल के, अजवाइन डाल करके। हाँ, तो उससे भी उसको आराम मिल रहा है। चलिए, छाछ में काला नमक अजवाइन डाल के पी रहे, तो उससे भी इसी की राहत है। चलिए, बहुत बढ़िया भैया, ऐसे कीजिए, इस ज्ञान को औरों में भी बांटिए, जिससे हमारा परिवार स्वस्थ समृद्ध बन सके। और हम मैं तो सबको बताता हूँ, जैसे किसी को तकलीफ होती है तो मैं कहता हूँ मुझे लिख के दे, पूछता हूँ क्या इलाज करना है। बिल्कुल भैया, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को बताना। मैं तो सबको पूछता हूँ ना, मैं किसी को भी होती है ना, मैं पहले पूछता हूँ भैया मुझे लिख के दे दे, क्या मैसेज भेजना है, लिख के भेज देता हूँ, क्या करना है तुम्हें बताता हूँ, तुम कर दिए। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ जी, सुनो मेरी बात आप। अरे फायदा नुकसान, फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो होगा नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अपने घरेली की यही बहुत बड़ी जो है ना विशेषता है। मैं तो यही चीज सोचता हूँ खाली, संभवतः ये लौंग, इलायची, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, ये सब क्या है, नुकसान, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो करेगी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारी घरेलू औषधियों की। हम थोड़ा सा इनके गुणधर्म को समझ लें और सही हिसाब से लें, जो गुणधर्म के हिसाब से मात्रा लेने की विधि को समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं आती। वो क्या, वो डॉक्टर को उसने दिखाया था भतीजे ने, तो वो डॉक्टर बता रहा फिर सर उसको। तो अगर उसकी कोई उपाय है ना, कोई जैसे कोई दवाई वाई कुछ कोई भी कार हो तो आप बता दो मुझे, तो मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप का भी। ठीक है भैया, मैं भेज दूंगा। चलिए, तो किसी ने कितने दिन किया था इन्हें आपने प्रयोग अभी? कितने दिन प्रयोग करवाया आपने एसिडिटी में? हाँ, एसिडिटी उपचार को कितने दिन करवाया आपने? 5-6 दिन हो गए करते हैं। जी, कोई बात नहीं, नियमित रखिए और इसे कुछ दिन करा दीजिए, जिससे कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है।